हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम गतिविधि पत्रक 48 को करेंगे। यह है कक्षा छठी से लेकर आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यह है 17 मार्च 2022 के लिए है। तो सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, फिर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, क्योंकि आज की हमारी शीट वर्कशीट है जो हिंदी की है। तो उसका टॉपिक क्या है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। एक पोइम है, कविता दी गई है, होली होली के नाम पे कविता है। तो हम कविता को पढ़ेंगे क्योंकि आज अब मतलब होली आ रही है ना, तो 17 तारीख की जो होली है, तो हम उसके उस उपलक्ष्य पर यह वर्कशीट दी गई है आपके लिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखो देखो होली है आई, बच्चों के चेहरों पर खुशियां है छाई, मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही है विदाई, ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई। देखो देखो होली है आई, बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई, रंग बिरंगी पिचकारियाँ बाबा से है मंगवाई, देखो देखो होली है आई। दादी जी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जताई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जतलाई, बच्चों ने खूब मिठाइयाँ खाकर शहर में खूब धूम है मचाई, देखो देखो होली है आई, बच्चों और बड़ों ने अवगुणों की होली है जलाई, होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई, देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। तो इस तरह से आपने भी इस कविता को पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो ये कहाँ से ली गई है, साभार पहल, यहाँ से इसको साभार से लिया गया है, या पता नहीं साभार पहल ये इनके राइटर है या ये बुक का नाम है, यहाँ पे श्योर नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने भी इसको इसी तरह से कविता को पढ़ना है। अब इसके हम क्वेश्चन या एक्टिविटी करती हैं। सबसे पहला क्या है, आप होली किस प्रकार मनाना चाहोगे, किस आप होली सबसे पहला है, आप होली किस प्रकार मनाना चाहेंगे, इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया है कि आप होली किस प्रकार मनाना चाहोगे, कौन सी विधि है या किस तरह से आप इंजॉय करोगे होली को, किन किन चीज़ों का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे या किस तरह से आप इसको मनाओगे, इस पर्व को मनाते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, आपने कौन कौन सी बातों का अपने ध्यान रखना है इसमें ये बताना है। तो मैंने जो बनाया है उसके लिए मैं अब इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा और इस तरह से अपनी होली को सेलिब्रेट करूँगा, मनाऊँगा। जैसे पहला क्या है, मैं होली के त्यौहार को बहुत ही खुशी के साथ मनाना चाहूँगा। अब इसकी सावधानियाँ क्या रखूँगा, मैं अच्छी गुणवत्ता वाले रंगों और गुलाल का प्रयोग करूँगा। नंबर 2, साफ और स्वच्छ पानी का प्रयोग करूँगा। नंबर 3, सभी को होली की शुभकामनाएं दूंगा। नंबर 4, सभी गिले शिकवे भुलाकर रंग बिरंगी होली मनाऊंगा। तो इस तरह से बच्चों आपने इसमें इनको भी लिख सकते हैं और इनसे अलग और भी लिख सकते हैं, और आप और भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम 5-6 लाइनें लिख सकते हैं। तो 4 मैंने लिखी है, 4 3 4 आप अपने पास से लिख लेना अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगे। तो क्या दिया गया है, हर पर्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, होली की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। यानी कि हर जो त्यौहार होता है, पर्व मतलब त्यौहार होता है, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं कि हम क्यों मनाते हैं और उस त्यौहार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से होली पर्व की किन्हीं 5 विशेषताओं को आपने लिखना है कि होली के त्यौहार की 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो 5 विशेषताएं हैं जो मैंने लिखी है वो ये हैं। पहली क्या है, होली बड़ा ही खुशी और मनोरंजन वाला त्यौहार है। नंबर 2,
होली रंगों का त्यौहार है। नंबर 3, यह भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। नंबर 4, यह वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नंबर 5, यह त्यौहार बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं और आप इन इनको भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब नंबर 3 एक्टिविटी क्या दी गई है? अब नंबर 3 एक्टिविटी क्या दी गई है? होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है? आपने सबसे पहले क्या बताना है, होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है? अपने शिक्षक या शिक्षिका या घर के सदस्यों से पूछकर सभी ऋतुओं के नाम लिखने हैं आपने। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने बताना है कि ऋतु कौन सी ऋतु की विदाई होती है जब होली आती है। तो फिर आपने बताना है कि कौन कौन सी ऋतुएँ होती हैं, उन ऋतुओं के नाम लिखने हैं। आप इसमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? सबसे पहले क्या पूछा गया था, होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है? होली आने पर वसंत ऋतु की विदाई होती है। कौन सी ऋतु की? वसंत ऋतु है ना, जैसे अब वसंत ऋतु की विदाई हो जाएगी और ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। तो अब हमने बताना है ऋतुओं के प्रकार, ऋतुएं कौन कौन सी ऋतु होती है उसमें पूछा गया था। तो पहली ऋतु कौन सी है? वसंत ऋतु है जो अब चल रही है। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु लग जाएगी, जैसे होली के बाद तुरंत ग्रीष्म ऋतु लग जाएगी। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु लग जाएगी, बहुत सी वर्षाएँ होती है ना, लंबे 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 दिनों तक वर्षा होती रहती है, काफ़ी काफ़ी दिनों तक। उसके बाद शरद ऋतु शुरू हो जाएगी, यानी हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाएगी। फिर हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी, फिर शीत ऋतु शुरू हो जाएगी। इस तरह से 6 ऋतुएं हैं जो हमारे भारत देश में आती हैं, या प्राकृतिक तौर पर इनको आया जाता है। अब आगे क्या बताया गया है? नंबर 4, होली के अवसर पर आपके घर में बनाए जाने वाले किसी एक पकवान या मिठाई का नाम लिखें। यानी कि आप होली के त्यौहार पर आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, उनमें से किसी एक पकवान का या मिठाई का नाम आपने लिखना है। फिर तथा उसको बनाने की विधि अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखनी है। फिर उस पकवान को, उस रेसिपी को कैसे बनाते हैं, उसकी पूरी विधि, उसकी प्रोसेस आपने वहाँ पे लिखनी है। अब जैसे हमारे यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा और चावल बनाए जाते हैं, कढ़ी पकौड़ा और चावल बनाए जाते हैं। अब चावल और कढ़ी पकौड़ा बनाने की जो विधि है वो क्या है? सबसे पहले बेसन को किसी बर्तन में भिगोया जाता है। कढ़ी बनाने की प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रक्रिया बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ। फिर तेल को गरम किया जाता है। फिर पकोड़े बना लिए जाते हैं। फिर कढ़ी बना ली जाती है। फिर उसमें पकोड़े डाल दिए जाते हैं। इस तरह से कढ़ी पकोड़ा बन के तैयार हो जाती है। फिर चावल बनाने की क्या, चावल बनाए जाते हैं। चावल बनाने का तो आपने सभी ने पता होगा कि चावल को कैसे बनाया जाता है। पहले गर्म पानी उबाल पहले पानी को उबाल दिया जाता है। जब पानी गर्म गर्म हो जाता है, उबल जाता है, उसमें चावल डाल दिए जाते हैं और उसको ढक दिया जाता है। 5-7 मिनट के बाद वो चावल उबल जाते हैं और चावल तैयार हो जाते हैं। इस तरह से कढ़ी चावल बनाने की जो प्रोसेस है, विधि है, वो मैंने बता दी। आप अपने हिसाब से जहाँ जो भी आपके घर में पकवान या मिठाई बना जाती है, आप उसको अपनी कॉपी में लिखना है और उसकी बनाने की विधि क्या क्या है, किस तरह से आप उसको बनाते हैं, वो अपने यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमारी आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल apnafuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे स्कूलों के फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी आपकी हेल्प से कुछ सीख सके और कुछ एक्टिविटी को कर सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।